हेलो गाइस, तो आपको मैं लेके आ गई हूँ टेरेस एंड गार्डन पे। तो यहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पतंग के साथ साथ में सब्जी कितनी सारी लग रही हैं। और जैसे कि सर्दियों की सब्जी अब स्टार्टिंग मैंने कर दी है और हर किसी ने ही कर दी है, टेरेस एंड गार्डन वालों ने भी, खेती वालों ने भी, क्यारी वालों ने भी और बालकनी वालों ने भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से आप बालकनी में भी, टेरेस गार्डन में भी, और आप देख सकते हैं कि नीचे गार्डन भी आप बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे सब्जी आप उगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो टमाटर पे टमाटर मैंने लगा दिए हैं और बहुत सुंदर ही खिल रहे हैं टमाटर। और देखिए ये मैं कीट दिखा रही हूँ आपको, ये है कीट, और देखो कीट ने कितना सारा ढेर मार लिया है। एक ही कीट के कम से कम हज़ारों बच्चे हैं। और ये है सूंडी, और ये सूंडी है छोटी वाली, ये बटरफ्लाई वाली नहीं है, जो तितली वाले नहीं है। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लेके आ गई हूँ टेरेस एंड गार्डन में। तो यहाँ पे आपको आज इतनी सारी सब्जी दिखाने वाली हूँ, और देखो दो सब्जी की हार्वेस्ट करूँगी मैं, या फिर तीन की, या फिर चार की, या फिर एक की, या फिर पांच की। तो चलिए मैं देखती हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा कि मुझे कितनी सब्जियों की आज हार्वेस्टिंग करने लेनी चाहिए, और कितनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं उतनी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए देखिए, यहाँ से एक पेड़ है, ये हल्का सा, ये 2 महीने का पेड़ है। 2 महीने पहले मैंने बीज लगाया था एक यहाँ पे, और देखो एक बीज से कितने सारे, देखो लाखों करोड़ों बीज हो गए हैं, जो कि मैंने 2 किलो बैंगन इस पेड़ से तोड़ भी लिए हैं। और सबसे पहली हार्वेस्टिंग मेरी गई थी बंदरों को इस पेड़ से। जी हाँ, बंदरों ने पहले, सबसे पहले यहाँ पे दावत करी थी अपनी, छुटा छुटा के खा लिए थे सारे के सारे बैंगन। उसके बाद में मैंने तोड़े, और उसके बाद में देखिए तीसरी यहाँ पे देखिए तुड़ाई आ रही है बैंगनों की। देखिए तो आप मुझे ये बताइएगा कि मुझे कौन सी सब्जी सबसे पहले ज़्यादा जल्दी से तोड़नी चाहिए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आप देखते देखते हैं ना थक जाएंगे कि इतनी सारी सब्जी आप देखते रहेंगे और सब्जी ख़त्म नहीं होगी। ये देखिए, और बहुत बड़े बड़े साइज में यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। अब मुझे देखिए हार्वेस्टिंग करनी है किस चीज़ की सबसे पहले, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे, आप ये बताइए क्या मुझे हार्वेस्टिंग करनी है। ये देखिए, ये मेरा क्या होता है ना, आप बोलते हैं ना भाई साहब, बोल रहे थे ना कि बहुत सारे कमेंट मेरे को आए थे पिछली वीडियो में, कि अभी 2 से 3 वीडियो से पहले, कि आप क्या डालते हैं मिट्टी में और आप क्या देते हैं पेड़ को, जो कि इतनी सारी सब्जी देखिए लद लद के आती है। देखो पूरा का पूरा पेड़ है ना, भरा पड़ा है। वो तो मैंने इस पे से परसों तोड़े हैं बहुत सारे, और 2 दिन 4-5 दिन पहले है ना बंदरों ने तोड़े थे, जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए इस वीडियो से नीचे की वीडियो जो है उसे आप देख भी सकते हैं, उसमें मैंने बताया है एक लिक्विड जो कि मेरा किचन वेस्ट होता है, यहाँ पे देखिए रखी भी है, ये किचन वेस्ट की डस्टबिन रखी है, और आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। इसे बंद करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से ये देखिए भिंडी के जैसे कि 2 से 3 पेड़ हैं इस क्यारी में, और एक पेड़ है नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही हैं ब्रांचेस, और यही ब्रांचेस पे देखिए कितनी सारी भिंडी यहाँ पे लग रही हैं, और भिंडी हमारी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है गाइस। अगर आप साबुत भिंडी बनाते हैं ना, एकदम साबुत, और साबुत भिंडी में आप मसाले वाली जो भिंडी बनाते हैं, या फिर अचार सा मान लीजिए कि अचार सा होता है ना इस प्रकार से, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरा मन आपके वैसे ही है, क्योंकि हम है ना कट कर करके भिंडियों को कई प्रकार से बना चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भिंडी की हार्वेस्टिंग और करके और रेसिपी ऐसी बना बना के खा के थक गए हैं, लेकिन भिंडियों का नाम ही नहीं हो रहा है कि ख़त्म हो जाए हम। तो चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि मैं कितनी सारी सब्जी हो रही है और मैं कौन सी हार्वेस्ट करूँ। तो चलिए, एक छोटा सा बीज मैंने लगा दिया था यहाँ पे, तो छोटा सा पौधा भी है, और इस पे देखिए मिर्ची भी आ रही है। मिर्ची हमारी यहाँ पे देख सकते हैं लदी पड़ी है, इस देखिए झोले में है, जो मैं बात कर लेती हूँ ये झोले में है। और फुलवाड़ी तो मेरे पास हर जगह बहुत ज़्यादा उग रही है, मैं पाड़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास फुलवाड़ी के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे तो मैंने कैरी करके रखी है, जगह जगह फुलवाड़ी को भी लगा के रखा है,
तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी सब्जी को हार्वेस्ट करूँ, तभी तो आप बताएंगे ना जब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आ जाती हैं बड़ी बड़ी सी जो कि गोभी, ये है गर्मी वाली गोभी और एकदम फ्रेश है, कोई कीड़ा कोई कीट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है इसमें, देख सकते हैं। और भी मेरे पास गोभी है, देखिए वहाँ से लेके और वहाँ तक भी हैं। अब देखिए बात कर लेती हूँ कि छोटे छोटे से पेड़ों पर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप भिंडी देखिए लग रही है, और ये पेड़ नहीं है, ये ब्रांच है, तो ब्रांच ही मैं छोड़ दूंगी, ब्रांच पे ही देखिए यहाँ पे फ्लावर्स आ रहा है। तो ऊपर से अगर हमारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे ना, ये पेड़ देखिए ऊपर से ख़त्म हो चुका है, देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर से पेड़ ये ख़त्म हो चुका है, और अभी तो नहीं हुआ है, अभी इसमें से 4 या 5 भिंडी आ सकती हैं। तो अभी मुझ पे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी छोड़ देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए छोड़ती हूँ मैं इसे। और यहाँ पर चलिए मैं भिंडी की हार्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे एक हार्वेस्ट के लिए ले आइए। तो यहाँ पे इस बार मैं ना देखिए मैं दिखावा नहीं करती, इसमें डालती जा रही हूँ, और यहाँ चलिए मैं हार्वेस्ट करती जा रही हूँ और इसमें डालती जा रही हूँ बाल्टी में। तो बाल्टी हमारी थोड़ी बड़ी है, देखते हैं कौन सी सब्जी से बाल्टी ज़्यादा गिरेगी भरेगी। देखिए ये देखिए मैं इसमें डालती जाऊंगी, ये देखिए भिंडी की एकदम बहुत तगड़ी वाली रेज हो रही है, ये देखिए। चलिए यहाँ से भी हम छुटा लेते हैं, और ब्रांच तो हमारी और फूटती जा रही है। जब पूरे किसानों की भिंडी खत्म हो गई है ना अब, और कुछ 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि किसानों को तो बेचारों को है ना खेत है, खेत खाली करने ही पड़ेंगे, तो किसानों की भिंडी भी खत्म हो जाएंगी गाइस, और कहीं भी नहीं रहेंगी। यहाँ पे है ना पॉली हाउस में थोड़ी बहुत तो रहेंगी, लेकिन वो होंगी 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो के लगभग, तो यहाँ पे मेरे पास में फ्री में ही आ जाएंगी, ये देखिए। क्योंकि इस प्रकार से ब्रांचेस पे निकल रही है भिंडी हमारी। तो चलिए सभी को एक एक करके तोड़ लेते हैं, ये देखिए। ये देखिए ये देखिए गाइस, जो गाइस आपके मैं एक बात बता दूं, बस छोटी सी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपके बजट से है तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपये आप दे सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आगे अब मैं वीडियो की अपडेट जो मिलेगी आपको मिलती रहेगी, जो भी मैं डालूँगी वो भी आपके बिना सर्च किए आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने है ना यहाँ से आप देख सकते हैं अरवी के पत्ते एकदम भरे भरे थे, देखिए ये देखिए यहाँ से लेके मैंने, देखिए यहाँ से लेके अरवी के पत्ते, वहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ तक, वहाँ तक, सारे के सारे अरवी के पत्ते मैंने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं रात, ये देखिए। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा अमरूद भी लग रहा है नीचे, और एक देखो यहाँ पे लग रहा है, और देखो यहाँ पे भी कली हमारी आ रही है, और यहाँ पे भी कली आनी स्टार्ट होने वाली है। अब इतना बड़ा पेड़ हो रहा है और इतनी ज़्यादा इसे ताकत मिलती है नीचे से, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, मैं आप अभी आपको वो बात नहीं बता पाई हूँ जो कि आपने पूछी थी, अब मैं बताने वाली हूँ आपको, अभी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वहाँ से भी निकाल लेते हैं, एक पेड़ हमारा वहाँ पे भी है, कल मैंने तोरी की हार्वेस्ट की थी और करेले की, और आज करेले फिर से आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं भिंडी तोड़ूंगी। और देखो आपको दिखा दूं कि नीचे से देखो कितना सुंदर होके आया है, देखिए पेड़ देखिए कितनी सुंदर 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 सी, कितनी सुंदर ब्रांच सी हैं,
और बहुत ही सुंदर यहाँ से देखिए फूट फूट के आया है। और देखो ऊपर से बात कर लेती हूँ तो देखो फ्लावर्स कहाँ नहीं है, कहाँ तक नहीं है इस पेड़ पे, देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। तो इसकी मैंने कटिंग कैसे की है आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए। और देखिए कितना सुंदर फ्लावर्स है, देखिए ये देखिए नज़र ना लग जाए। और देखिए इसके ही बैंगन के ही प्रकार का देखिए यहाँ पे मेरे पास फुलवाड़ी का भी फ्लावर्स है और आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ तक है ना बैंगन पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिला है। और बहुत सारे बैंगन मतलब कि फ्लावर्स ज़्यादा का मतलब ये है बहुत सारे बैंगन हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना गाइस, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे ना बिल्लियों ने इतनी तकड़ी, दो बिलोटे थे, बिलोटों ने इतनी तकड़ी लड़ाई करी थी कि मेरी सारी सरसों तोड़ दी। और इसमें एक देखिए तोरी की बेल थी, ये तोरी की बेल भी देखिए तोड़ दी और मैंने इसके पत्ते छुटाए हैं फिर ताकि ये अपने आप को एब्जॉर्व कर सके, थोड़ी बहुत जो जान है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग रह सके। अब मैं छुटा दे रही हूँ ये अब स्ट्रॉन्ग रहेगी। और यहाँ पे देखिए ये पौधा भी हमारा शिमला मिर्च का तोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो चलिए पहले हम भिंडी तोड़ लेते हैं दूसरी जगह से, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ क्या क्या और है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए कितने सारे बैंगन यहाँ पे लग रहे हैं ये देखिए। और इनका तो फ्लावर्स कब खिले मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन खिले तो हैं देखिए, ये देखिए खिले तो हैं। तो चलिए यहाँ से मैं देख लेती हूँ कहाँ कहाँ तक भिंडी है। देखिए पेड़ की जड़ में, वाव देखिए पेड़ की जड़ में है ना, जड़ में एकदम भिंडी है। ये पेड़ है गाइस और ये पेड़ की जड़ में भिंडी है, इसे हम छुटा लेते हैं बहुत प्यार से। देखिए छुट जा रही हैं, ये देखिए कितनी सारी होती जा रही हैं, देखिए ये देखिए। और भिंडी हमारी और भी आती जा रही है, ये है ना हमने ये देखिए, ये ब्रांचेस हैं और इन सारी ब्रांचेस जो ब्रांचेस देख रहे हैं सारी ब्रांचेसों पे भिंडी हमारी लगती रहेंगी और पूरी की पूरी साल हमें मिलती रहेंगी अगर मैं इन्हें खाली नहीं करूंगी तो। और मुझे बोनी भी नहीं पड़ेंगी, मतलब दोबारा से सीड्स भी नहीं उगाना पड़ेगा भिंडी का। और देखो कितने सारे बैंगन यहाँ पे लग रहे हैं, देखिए ये देखिए गाइस। इधर को लाइए और देखिए ब्रांचेस पे देखिए भिंडी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी भिंडी यहाँ पे लगी हैं, देखिए कांटे भी बहुत ज़्यादा मोटे हैं गाइस, इसमें तो कांटे ऐसे हैं कि हाथ में ना एकदम अंदर को जा रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यार से मुझे छुटानी पड़ रही है, ये पकड़े रहना ये देखिए गाइस। तो पेड़ भी छुटता जा रहा है बेटा, ये देखिए और देखो इस पे तो काफी समय तक आती रहेंगी, अभी कम से कम 1.5-2 महीने तक आती रहेंगी। और ऊपर से जब आनी बंद हो जाएंगी तो देखो नीचे भी आ रही हैं, नीचे भी आएंगी। और देखो एक यहाँ पे है और अभी एक 2-3 और आएंगी यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगी अभी 3-4 दिन बाद, इसे मैं बीच में से तोड़ दूंगी जहाँ से मेरी बिटिया ने हाथ से पकड़ रखा है ना, ये यहाँ से तोड़ दूंगी फिर नीचे ब्रांच लगी। और ये देखिए अभी और देखते हैं दूसरे पेड़ों पे, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखो ब्रांच पे भी देखो ये अभी तोड़ने लायक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे 4 और आ रही है, देखिये फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो रहा है, देखिये कितना सुंदर। अरे वाह देखिए देखिए यहाँ से लेके ना यहाँ से लेके और देखो यहाँ तक गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ से लेके और यहाँ तक देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं। तो गाइस कुछ मेरी बहनों का कमेंट्स था कि थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखाती हैं आप, अच्छे से इसलिए नहीं दिखा पाती थी क्योंकि आपने मुझे कमेंट नहीं किया था। अब आपने कमेंट किया है और मैं दिखा रही हूँ इसलिए। और आपको बता दूँ कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है,
कि आपने कमेंट नहीं किया था तो मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था। मेरा अच्छे से दिखाने का मकसद होता है, लेकिन बाजी बार ऐसा हो जाता है कि मैं कैमरे की ओर देख नहीं पाती हूँ। तो देखिए, हमें जो है पोलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे पोलिनेशन जो होता है फ्लावर्स का अटैचिंग, ये हमारी है ना, ये मधुमक्खी आप देख सकते हैं, देखिए ये मधुमक्खी अपने आप ही करती है। और मेरे गार्डन में मधुमक्खी ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी देखने के लिए, ये देखिए। तो ये पोलिनेशन करती है फ्लावर्स का, मैं कोई पोलिनेशन नहीं करती हूँ कहीं भी, और जैसे सब्ज़ी लगती रहती है बस वैसे ही छोड़ती हूँ मैं। ये अपने आप कर देती है, इसे बैठी रहने दीजिएगा और उड़ाइएगा मत। यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात बहुत अच्छी सी मैं बताने वाली हूँ, जो कि नीम, और देखिए ये है हमारी हल्दी, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ आपको भिंडी को। यहाँ से मैंने तोड़ी थी, तोड़ी और भी जहाँ से तोड़ी थी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। छोटे वाले करेले आप देख सकते हैं, छोटे वाले करेले हैं, ये देखिए। ये देख सकते हैं करेले ही करेले हो रहे हैं छोटे वाले, जो कि आप भर के बना सकते हैं। इन्हें गाइस भर के ही बनाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे है ना कई सारे टमाटर टूट गए हैं और इसको है ना सपोर्ट नहीं मिली है पेड़ को। तो सपोर्ट नहीं मिली है तो ये अपना बोझ सीरियसली अपने बोझ को लेकर झुक जाएगा, इसलिए ये झुकना नहीं चाहता पेड़। तो इसने सारे के सारे फ्लावर्स है ना अपने तोड़ दिए हैं, नीचे गिर गए हैं। हेलो गाइस, तो आपके जो कमेंटों का सवाल का आपका जवाब मैं आज देने वाली हूँ। जो आपका कमेंट है उसी का जवाब मिलने वाला है। आपने पूछा था, यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए बंद करके ऑन करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सब्जी आपके पेड़ों में लगी हुई हैं। आप मिट्टी में क्या डालते हैं और आप ऐसा क्या फर्टिलाइज़र लगाते हैं, क्या स्प्रे करते हैं? तो देखिए, ना ही तो मैं कोई स्प्रे करती हूँ, ना ही कोई मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ, ना ही कोई जैविक खाद डालती हूँ, ना ही मैं कुछ भी डालती हूँ। तो मेरा ये सीक्रेट राज है, ये देखिए मेरी डस्टबिन 8 दिन में ही भर जाती है, जो कि आटे को छानस भी होता है वो भी इसमें ही जाता है, और आटे का जो बुरादा होता है, मतलब जो बूर बोलते हैं हम मेरे यहाँ पे, और जो पूरब में देख रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पूरब में ना वो ये गाली मानी जाती है, सॉरी इसके लिए। तो आटे का बूर इसमें हो गया, सब्जियों का छिलका इसमें हो गया, और फल के, फूलों के और हर प्रकार के सब्जियों के छिलके, बस एक बाल नहीं आने चाहिए और पिन्नी और कागज़ वगैरह नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा और देखिए, मुझे दिखाइए यहाँ पे है ना, मैं ये कैसे डालती हूँ, इन्हीं छिलकों से मैं मिट्टी बनाती हूँ फालतू, जो कि फालतू मिट्टी हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है। मैं अभी आपको दिखा दूंगी इस वीडियो में। तो आपके कमेंट का जवाब आज मैं दे रही हूँ और अभी मिलने वाला है प्रूफ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ। ना ही तो मैं कुछ देती हूँ पेड़ों को, ना ही मैं कुछ मिट्टी में मिलाती हूँ, तो मैं यही देती हूँ। चलिए कैसे देते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने पानी भरा है और चाय की पत्ती की, यहाँ पे मैंने एक कटोरी थी चाय की वो धो दी है, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें मैं डालने वाली हूँ इस पानी को, देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है और भी मैं इसमें डाल दूंगी, लेकिन ये जो है ना आप देख रहे हैं ना, अब इसे मैं वापस करूँगी, देखिए इस तरह से, ये देखिए वापस कर। तो ये देखिए मैंने उस बाल्टी से, इस बाल्टी से मैंने, देखिए इस बाल्टी में काफ़ी पानी हो गया और इसमें मैंने निकाल लिया। अब चलिए मैं डालती हूँ इसे पेड़ों में।
Thank you.